কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো একটি চলচ্চিত্র উৎসব। বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে চার দিনের এই উৎসবের আজ ছিল শেষ দিন। শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। দ্বিতীয় বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বাংলা বার কে আয়োজন পর সভি আয়োজকো কলাকার ও ফিল্ম প্রশংসকো আর দর্শকোকো মেরি ঢেরো শুভকামনা। पश्चिम बंगाल की समृद्ध संस्कृति ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शानदार कलाकार, लेखक, संगीतकार और फिल्मकार दिए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि फिल्म फेस्टिवल आप सभी को एक साथ एक मंच पर ला रहा है। इससे ना सिर्फ एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है बल्कि एक दूसरे से सीखने का भी अवसर मिलता है। आज का युग बेहद परिवर्तनशील है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे रहन सहन से लेकर मनोरंजन के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है और ये बदलाव निरंतर जारी है। मुझे आशा है कि आप सभी इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में खुद को अपस्किल और रीस्किल करते होंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अगले 3 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यस, इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd largest इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार भारतीय फिल्म उद्योग और मनोरंजन उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्परता से कार्य करती रहेगी।